नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। राजस्थान कांग्रेस में चाहे जो चल रहा हो, लेकिन एक बार फिर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भाजपा के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। पायलट ने सीधे तौर पर भाजपा को निशाने पर लेते हुए कह दिया कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती और 2024 के चुनाव में इसका पता भी चल जाएगा। भाजपा पर भी पायलट ने जो बयान दिया, अब वो भी चर्चाओं में है। प्रदेश भाजपा पर जुबानी हमला करते हुए पायलट ने सीधे तौर पर कह दिया कि उसके तो हाल ही खराब हो चुके हैं। दरअसल कल टोंक दौरे पर रहे सचिन पायलट ने किस तरह बोला भाजपा पर जुबानी हमला, आप भी सुनिए। महंगाई रोकने में ये सरकार नाकामयाब रही है और हमने पूरी कोशिश की है कि राज्य सरकार के माध्यम से लोगों को मदद करी जाए महंगाई को कम करने में, लेकिन केंद्र सरकार का कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनको सिर्फ जाति, धर्म, भाषा, मंदिर मस्जिद पर राजनीति करनी है और जनता इस बात को समझ चुकी है, क्योंकि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि जनता कांग्रेस के साथ खड़ी रहेगी। इन 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं अगले साल, उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहेगा और एक बदलाव शुरू हो गया है जिसका इस उपचुनाव से आपको परिचय मिलेगा। और 24 में बीजेपी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस ही वो दल है जो उनको रिप्लेस कर सकता है। संविदा कर्मी लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, आपने वकालत बढ़ाने को लेकर नहीं, मुझे लगता है सरकार सहानुभूतिपूर्वक कार्रवाई करेगी। समिति बनी हुई है, विशेषज्ञों से सलाह ले रहे हैं और एक सकारात्मक इसका एक निष्कर्ष निकलेगा। मैंने भी कहा है कि जो संभव है, जो हम लोग कर सकते हैं बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए, संविदा कर्मियों के लिए, वो सरकार को करना चाहिए। और सरकार भी, मैं समझता हूँ, बड़े पॉजिटिव एटीट्यूड से इसकी तरफ सहानुभूतिपूर्वक कार्रवाई कर रही है। राजस्थान में तो बीजेपी का पता ही नहीं है कौन तो पार्टी को चला रहा है, कितने गुट बन गए हैं, कौन सा ग्रुप है, किसकी फोटो छप रही है, कौन कटाक्ष कर रहा है, कौन स्टेटमेंट दे रहा है। सारे ही मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और भारतीय जनता पार्टी जो लगातार उपचुनाव हार रही है, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे जिला परिषद हो, पंचायत समिति के चुनाव हो, ऐसा कोई चुनाव नहीं जो नहीं हार रहे हैं और हार ही बुरी तरह रहे हैं। कहीं तीसरे नंबर पर हैं, कहीं चौथे नंबर पर हैं। तो भाजपा जो एक उम्मीद करी गई थी लोगों ने कि हाँ एक मजबूत विपक्ष का काम कर सकती है, वो तो मजबूत विपक्ष बनने लायक भी नहीं रही है ये पार्टी। ना तो सत्ता में सत्ता गवर्नेंस का दे सकते हैं, ना राजस्थान में विपक्ष का काम कर सकते हैं। तो जनता ने तो उम्मीद छोड़ दी भाजपा और भाजपा के नेताओं से। सचिन